कि हम 10 मिनट में तुम्हारे साथियों को छोड़ेंगे। और बहनों, हमारे बीच और भी बहनें अभी लगातार आ रही हैं और ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये लगातार हमसे धोखाबाजी कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे एसएचओ साहब कि किसी को नहीं पकड़ा, सामान जब कानूनी प्रोसेस में हम पकड़ रहे हैं, पर असलियत ये है कि ये हमारी बहनों की एकजुटता की ताकत से और यूनियन की ताकत से, हमारी यूनियन कोई दलाल यूनियन नहीं है, तो बंद कमरों में जाके इनसे समझौता करें। इसीलिए हमारी इस लड़ने वाली मजबूत यूनियन के दम पे, जिस यूनियन की सदस्य पुष्पा आंटी जैसी महिलाएं हैं जो बीमार होने के बावजूद यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ही दम पे आज हम हड़ताल को यहाँ तक पहुँचाए हैं और हम जीतेंगे। हमारे किसी साथी पर अगर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमला और तेज करेंगे। हमारी और बहनें लगातार आ रही हैं। हमारी बहनें जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद। अरे कैदी के मोदी केजरी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे केजरी मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे केजरी मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। और अब हम लड़ेंगे और जब तक जीतते नहीं तब तक दम नहीं लेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हमारी बहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सब पर हमला, यहाँ पे आई हैं माधुरी जी आई हैं। इन्होंने फोन करके जब पूछा ऐसे तो साहब से हमने उठाया है, हाँ हमें इंजाम लगाया है। ये पीछे से हमला करते हैं, ये पीछे से हमला कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास जहाँ वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया। असल में ये हमारी ताकत से डरते हैं और इसको हम और मजबूत करेंगे अपनी किसी भी बहन पे, चाहे वो यूनियन के नेतृत्व के साथी हो, योगेश और शिवानी हो, या और भी कोई साथी हो, या हमारी कोई भी बहन हो। अभी अब पूनम को उठाकर लेके गए थे, पूनम को उठाकर लेके गए थे और कह रहे थे कि महिलाओं को हम अंधेरा होने के बाद नहीं छूते हैं, तो ये पीठ पे हमला करते हैं। हाँ, हमने किसी को टच नहीं करा। झूठी है, झूठी है,
सकते। ये सामान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आपके सबके यूनियन फंड से, मेहनत की कमाई से यूनियन का सामान क्योंकि सामान हम सबका है, हमारे फंड का सारा सामान है। बिल्कुल क्या बोला आपको सारे ग्रुप में बोला कि हमने किसी महिला को नहीं बैठाया, या जो भी बोला शिवानी ने झूठ बोला है, हमने किसी को चेक नहीं करा। ये असल में चाहते ये है कि यूनियन का नेतृत्व हमसे अलग हो जाए। शिवानी को झूठा बोल रहे हैं या ऐसे जो खुद दगाबाज और झूठा है, दिल्ली पुलिस धोखेबाज। लेकिन इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम सामान का नहीं बता सकते, यानी ये हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और तेज करेंगे, हमारे सिरे बैठे हमारा सामान नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सामान को लेते जाएंगे। हाथ मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी हाल में भी नहीं डरना। हम रात भर यहीं बैठे रहेंगे, अपने साथियों को छुड़ाएंगे, अपने सामान को भी ले जाएंगे, हमारे साथी के साथ हमारा सामान भी वापस होना चाहिए। बिल्कुल हमारा सामान भी मिल जाए। कहाँ की नीति है, ये गलत बात है। अगर केजरीवाल जी धरने पे बैठ सकते हैं तो हम अपने हक के लिए हम भी लड़ सकते हैं। केजरीवाल हाय 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 हाय, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज दिल्ली के इतिहास में एक जन सैलाब महिलाओं का, आज यहाँ विधानसभा से लेकर इस पूरे विश्वविद्यालय जो सड़क जाती है वहाँ इकट्ठा हुआ। जब इन लोगों ने पहले सीटू जैसी दलाल यूनियनों से पहले सिविल लाइन्स पे जो धरना चल रहा था उसके जगह सचिवालय पे डाइवर्ट करने की कोशिश की, पर जब हमारी यूनियन की एकजुटता ने यह दिखा दिया कि हमारी बहनें एक साथ हैं और किसी भी अफवाह और धोखे में नहीं आने वाली है, तब इन्होंने पीठ पीछे हमला किया है यूनियन के साथियों पर। साथी योगेश और साथी सफीक और जो गाड़ी थी जिसमें सामान था उसको इन्होंने रास्ते से उठाया है। अभी तक लगातार इतने घंटों तक SHO ये बोलता रहा कि ये जो सामान है हमारे पास नहीं है, किसी भी साथी को हमने गिरफ्तार नहीं किया है। पर अब जब हमारे वकील यहाँ पे आए हैं तब ये कह रहे हैं कि हम थोड़े देर में देखते हैं। तो ये जो झूठी पुलिस है जिसको लगातार ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं कि इस हड़ताल को कैसे भी तोड़ो, आज हमारी बहनें ये साबित करने यहाँ आ रही हैं। हमदर्द से एक एक जगह से, दूर दूर से, साउथ दिल्ली से, बॉर्डर से, दिल्ली के इलाकों से बहनें पहुंच रही हैं। आप सभी इंसाफ पसंद नागरिकों से ये हम आह्वान करेंगे कि जो भी सिविल लाइन और उसके आसपास की जगह पर है यहाँ पहुंचे और इस कायरतापूर्ण हमले को जो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार मिलकर कर रही है इसको नाकाम करे। दोस्तों ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, अब और बढ़ेगा। हमारी बहनें लगातार यहाँ सिविल लाइन्स पहुँच रही है। अगर ये हमारे साथियों और सामान को नहीं छोड़ते हैं तो ये हड़ताल जो 11 दिनों से सिविल लाइन पे चल रहा था वो यहीं शुरू होगा और हम यहीं डटे रहेंगे। तो आप सबसे कहेंगे कि यहाँ आइए, सभी इंसाफ पसंद नागरिकों से कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, इसको फैलाएं, मीडिया तक पहुंचाएं और ये जो दिल्ली पुलिस की कायरतापूर्ण हरकत है उसको लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उन पे पीठ पीछे हमला किया जाता है। हमारे यूनियन के साथियों पर हमला किया गया है, पर हमारी बहनें ये ताकत हैं जिसके दम पे हम जीतेंगे और हमारी एकजुटता की ताकत में आप भी हमारे शामिल हों, आए इसका हम आह्वान करते हैं।